राजस्थान के दौसा जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं। मित्रपुरा गांव पूरी की पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस समय जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पानी का जो लेवल है आगे बहुत गहरा है। सामने स्कूल आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रामवासी दिखाई दे रहे होंगे, ये अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्कूल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दौसा का मित्रपुरा गांव जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, अभी इस समय घुटनों तक पानी है। धीरे धीरे पानी उतर रहा है क्योंकि प्रशासन ने धीरे धीरे अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि कैसे कल रात तक पानी कमर तक था। पिछले 3 दिनों से यहाँ के आम बाशिंदों ने खाना नहीं खाया, यानी घरों में खाना नहीं बनाए। एक मित्रपुरा के गाँव की तमाम महिला यहाँ पर मौजूद हैं। कितने दिन से आप लोग खाना नहीं बना पाए? 3 दिन आएगा। 3 दिन? 3 दिन से खाना नहीं बनाया? नहीं बनाया। क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशान है, पानी भर आया घर में, बड़ी ता बीज गया, चूल्हा बीज। तो घर तक अंदर तक पानी भर गया? हाँ, घर तक अंदर तक पानी भर गया। चूल्हा बीज गए, बलिता बीज गए, पशु बीज गए, चारा सब कुछ बीज गए, नाजा सब वगैरह बीज गए। तो आप लोग कैसे काम चला पा रहे हैं? अपने बच्चों का खाने का पीने का कैसे चल रहा है? कोई कोई मदद कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है। कल तक क्या कमर तक पानी था? कहाँ, कमर तक पानी था। देखिए ये घर की महिला है, एक पुरुष सदस्य अब दिखाई दिए, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या स्थिति है अब गांव की? हालात बहुत गंभीर हैं यहां पर मित्रपुरा गांव में। 3 रोज से तो आपने कणिया कणिया सुत्तम पानी है इसके अंदर, कमर तक पानी है इसके अंदर, है ना, कि बिल्कुल मेवासी वगैरह सारे बोर फोर सारे फेल हो चुके हैं। 3 दिन से मित्रपुरा गाँव में किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी स्थिति यह हो रही है कि मकानों के अंदर पानी घुस रहा है, फिर क्या होगा? तो खाना कैसे बनेगा यहाँ? तो आपके घर स्कूल देख लो, सरकारी स्कूल है, स्कूल के अंदर देखो, स्कूल बंद पड़ी है 15 दिन से, स्कूल बंद पड़ी है 15 दिन से, 15 दिन से स्कूल बंद पड़ी है। क्या करें, मास्टर आएंगे तो क्या डूब के मरेंगे इसके अंदर? यह है सर, अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, 15 दिन से स्कूल बंद है, 15 दिन से स्कूल बंद है। देखिए ये दौसा के मास्टर क्या करे बापड़ा, मित्रपुरा गांव का एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और पिछले 15 दिन से ये बंद है क्योंकि यहाँ मगर मास्टर आते हैं रोड पे से चल जाते हैं, बापड़ा क्या करेंगे इसमें घुस के, क्या मरेंगे क्या? भाई वो बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए प्रशासन पानी प्रशासन ने कल निकला है पानी, नहीं तो डूबक गाँव हो रहा था यहाँ पे। देखिए इस वक्त हम सरकारी स्कूल में अंदर जा रहे हैं, पिछले 15 दिन से ये स्कूल बंद बताया जा रहा है क्योंकि स्कूल में पानी भरा हुआ है। टीचर जो हैं वो नहीं आ पाते, अंदर जो मिड डे मील का अनाज होता है वो भी बच्चों का यहाँ भीग चुका है। अब अंदर कितना पानी है ये जाकर देखने के प्रयास करते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति है, उनकी मदद से हम अंदर जाते हैं। पूरे गांव के जो हालात हैं, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि आप जब आगे बढ़ें तो देख कर उतरें, क्योंकि यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें पूरी तरीके से जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खबर। आगे चलते हैं, आगे कुछ और भी गांव हैं, कुछ पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ गांव की जी कुछ महिलाओं ने आवाज़ दी, घर की महिलाओं ने, कि उनके घर में भी पानी भरा हुआ है। कल कितना पानी था? काल मोटी जगह पानी छो सब, और हमारी पोती डूब गई ना बगी ची बोर पे, जब पत बोर का 2-4 चूड़ी ची पानी की टंकी जड़ गई, पड़े तो बेहू ठीक पड़ गई, फिर हमने बाले को तो भागरे काट लियो, और 3 दिन चूलो बाले होगा अब हमको, जब बालकन को तो का नाश्ता पानी मोड़ पर करवा लिया, अब हम जाबा लाए कौन जी खजावा, 3 दिन से ऊपर डागड़ा पर बैठा था, अच्छा तो पानी भर गो, जब खाया जाबा जगह कौन डांडा से, जब पानी में तेत पानी में बस। हाँ 3 दिन से चूल्हे नहीं जल रहे, मकान में पानी भर गया, लड़का लड़की स्कूल नहीं जा रहे हैं, एक लड़की बोर में फंस गई जे बहुत कर गई, गाँव भी बीज गए, तूड़ा भी बीज गए, मकाना में उड़ गया पानी, इतना पानी भर गया, क्या दिक्कत? इतना पानी भर गया जे हमारे तो बालक वालक सब डूबा में आ गया, डांडा डूब गया, हमारा तूड़ा बह गया, नाच बीज गया, तो हम क्या खाओ, डांडा का खिलाओ, तो हम रोड पे आएंगे, माई भैंस बांधेंगे, माई हम रहेगा, बंद भी कर सकेगा हाईवे पे, हम बंद भी कर सके कल, हाँ हाई जाम करेंगे माई भी रोड पूरा भीजगा, हमको खावा कुछ नहीं है, कोई आया नहीं है देखने के लिए सरकार, आया नहीं है कोई भी कल, ठीक।
तो गांव के अंदर पूरे गांव की बात करें, ढाणी की बात करें, पूरी तरीके से जलमग्न हो रखा है। स्थानीय ग्रामवासी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, क्या स्थिति है अंदर? इसीलिए पूरा गांव मतलब पानी से भरा हुआ है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, मवेशी जानवर पूरे पानी हो गए हैं और चूल्हा भी नहीं भर रहा है। यहाँ तक पानी, खाना बन पा रहा है? खाना वगैरह कई घरों में बिल्कुल खाना नहीं भरा, दो दिन से कत्ती बिल्कुल भी। पानी निकालने का प्रयास कल शाम से चल रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं है। अभी थोड़ा बहुत चला है, थोड़ा बहुत पानी का प्रयास चल रहा है कि अभी पूरा नाला नहीं, खुद निर्माण नहीं किया गया।